हेलो एवरीवन, पूनम सुक्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ बिना बेकिंग टूल्स के केक की रेसिपी शेयर करूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने कम से कम सामान में बनाकर रेडी किया है। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ होममेड टर्न टेबल, नोजल, बटर पेपर और इसी के साथ स्पैचुला भी बनाना बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए इस बहुत ही ब्यूटीफुल से चॉकलेट केक को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बटर पेपर बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल कॉपी के पेज को ही ले लिया है और अब यहाँ पर हम केक टिन को लेंगे और आज मैं इस वाले पतीले में ही केक को बेक करने वाली हूँ। तो इस साइज़ का हम पेपर को कट कर लेंगे। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स के पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इस तरह से बटर पेपर को घर पर बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और आज मैं केक को इस 5 इंच के पतीले में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ऑयल से नीचे में अच्छे से ग्रीसिंग करना है। इसके बाद जो अपने होममेड बटर पेपर को हमने बनाया है उसको इस तरह से प्लेस करेंगे और अब इसके ऊपर से भी 2 से 3 ड्रॉप तेल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर केक टिन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बर्तन को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का बड़ा पतीला लिया है। नीचे में हम इस तरह से स्टैंड रख देंगे और ऊपर से लिड लगाकर हम इस पतीले को 10 मिनट तक लो फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। आप केक को कढ़ाई में भी बना सकते हैं और जब तक हमारा बर्तन प्रीहीट होगा तब तक केक के बैटर को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 टाइगर क्रंच बिस्किट लिया है। ये 5 रुपये वाला पैकेट है और आज मैं टाइगर क्रंच बिस्किट से ही केक के बैटर को बनाऊँगी। आपके पास जो भी चॉकलेट बिस्किट अवेलेबल है आप उससे केक को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओरियो का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज टाइगर क्रंच बिस्किट और इसी के साथ मैरीगोल्ड बिस्किट का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे पास मैरीगोल्ड बिस्किट के इस तरह से टुकड़े पड़े हुए थे जिन्हें मैं आज केक बनाकर यूज़ कर लूँगी। तो आप इसी तरह से किसी भी बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं केक को बनाने के लिए, बट बिस्किट आपको मीठा लेना है, नमकीन नहीं। अब हम बिस्किट को निकाल लेते हैं और मिक्सर जार में डालकर इनका पाउडर बना लेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं और पाउडर बना लीजिएगा साथ में ही। फिलहाल मैं यहाँ पर बिल्कुल भी चीनी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने पाउडर बना लिया है बिस्किट्स का और इसमें बहुत ही अच्छा चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ। इन केस अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालूँगी और इसका स्मूथ लम फ्री कंसिस्टेंसी का बैटर बना लूँगी। ये देखिए, एक बार में ज़्यादा दूध नहीं डालना है और इस पूरे बैटर को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया था। और मैं अब आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए हमारा बैटर, इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच इनो डाल दूँगी और इनो की जगह पर आप यहाँ पर 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच इनो भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से दूध डाल दूँगी और इसे धीरे धीरे से हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है और जैसे ही हम इनो को मिक्स करेंगे हम तुरंत ही इसे अपने प्रिपेयर किए हुए केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर बैटर रेडी है, आप अभी इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब इसे 3 से 4 बार टैप करेंगे और अपने प्री हीटेड बर्तन में हम केक टिन को रख देते हैं और अब लिड को लगा देंगे। और केक को बनने में 35 से 40 मिनट्स का वक्त लग जाता है। इस बीच आप लिड को बिल्कुल भी ओपन ना करें और केक को लो फ्लेम पर ही बेक करें। यहाँ पर टोटल 35 मिनट्स हुए हैं और मैंने केक को चेक किया है और टूथपिक में यहाँ पर बैटर थोड़ा सा लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर अभी केक बेक नहीं हुआ है। मैं इसे और 5 मिनट तक इसी तरह से ढककर बेक करूँगी और 5 मिनट के बाद मैंने वापस से इसे ओपन करके चेक किया था तो यहाँ पर टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर केक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कपड़े से ढककर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कप और 1/4 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लिया है तो इसे भी मैं ऐड कर दूंगी और अब हमें इसे विस्क करना होगा। तो आप चाहे तो आप यहाँ पर इसे हैंड विस्कर के मदद से विस्क कर सकते हैं, पर इसे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का ही यूज़ करूँगी और इसे बीट कर लूँगी। स्टिफ पीक्स आने तक हमें इसे बीट करना होता है
और दोस्तों अगर आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो घर पर व्हिप क्रीम कैसे बनाएं ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और व्हिपिंग क्रीम को एकदम परफेक्टली कैसे बीट करते हैं ये भी शेयर किया है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर क्रीम को बीट कर लिया है, ये एकदम स्टिफ हो गया है, जब आप बोल को उल्टा करेंगे ना तो भी ये क्रीम नहीं गिर रहा है। तो हमारे यहाँ पर क्रीम बीट हो गया है। अब यहाँ पर हमारा केक भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो नाइफ से इस तरह से साइड से लूज़ करेंगे और एक प्लेट को रखकर टर्न कर देंगे। और देखिए बर्तन बिल्कुल भी नहीं जला है, हमारा होममेड बटर पेपर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अब यहाँ पर बटर पेपर को हटाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है, ये आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। तो अब हम केक को 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। आप चाहे तो आप इसे थ्रेड की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं होममेड टर्न टेबल आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह का बड़ा पतीला लिया है, ये भारी तले का पतीला होना चाहिए। और इसके बाद इसके ऊपर से हम एक थाली को रख देंगे इस तरह से, और हमारा होममेड टर्न टेबल तैयार हो गया। आप चाहे तो पतीले की जगह कुकर को भी उल्टा करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर से कपड़ा रखेंगे और केक बोर्ड या फिर इस तरह से प्लेट रख देंगे। अब क्रीम को प्लेट के ऊपर लगाएंगे और केक के बेस को रखेंगे। अब इसे अब हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। 4 चम्मच पानी में 2 चम्मच चीनी को ऐड करके बनाया है। और अब इसके ऊपर से हम क्रीम लगा देंगे। और ये देखिए यहाँ पर स्पैचुला से मैं इस तरह से क्रीम लगा रही हूँ। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप स्टील के स्केल को भी यूज़ करके क्रीम को एकदम ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए इससे भी काम बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो आप होममेड स्पैचुला इस तरह से स्टील के स्केल को यूज़ करके बना सकते हैं। इसे ऊपर से एकदम अच्छे से हम इवन कर रहे हैं और इसके ऊपर से अब हम थोड़ा सा चॉको चिप्स डाल देंगे क्योंकि इसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसके ऊपर से हम केक के सेकेंड लेयर को रख देंगे और इसे भी अब हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे। सोक करने के बाद हम इसके ऊपर से भी क्रीम के लेयर को लगाएंगे और स्प्रेड करेंगे। अब आपको यहाँ पर एकदम सेम वही वाला प्रोसेस को रिपीट करना है, मतलब शुगर सिरप से सोक करेंगे, फिर इसके ऊपर से क्रीम लगाएंगे, इसे भी स्प्रेड करेंगे, फिर से इसके ऊपर से हम चॉको चिप्स डालेंगे और वापस से दूसरे लेयर को रखेंगे। तो इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए हमने क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब हम इसके ऊपर से वापस से चॉको चिप्स को डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर से थर्ड लेयर को रखेंगे और इसे मैंने उल्टा करके रखा है और इसे भी शुगर सिरप से सोक करेंगे। और अब मैं थोड़ा सा क्रीम लेकर पूरे केक को अच्छे से कवर कर दूंगी जिससे कि जो भी क्रम्स होंगे केक के वो सब क्रीम के साथ ही अंदर में सेट हो जाएंगे। ये देखिए ज़्यादा क्रीम नहीं ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा क्रीम लेंगे और क्रम को हमें जस्ट सेट करना है जिसे हम क्रम कोटिंग भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से थोड़े से क्रीम से पूरे केक को कवर कर दिया है और अब हम केक को फ्रिज में रखेंगे लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद वापस से केक को निकालेंगे और इस तरह से अब पूरे केक को क्रीम से अच्छे से कवर करना है। ये देखिए जहाँ भी आपको केक का लेयर दिखे उसे आप क्रीम से इस तरह से कवर कर दीजिएगा और इसे बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके से क्रीम से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए आप चाहे तो आप यहाँ पर एक्सपायर्ड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हुए भी केक को इवन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्केल से ही पूरे केक को अच्छे से इवन कर लिया है। ये देखिए इस तरह से जो ऊपर में उठा हुआ क्रीम है ना इसे अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रीम से एकदम अच्छे से केक को कवर कर लिया है और प्लेट के साइड्स को भी क्लीन कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 20 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच गर्म दूध डाल दूंगी और इसे अब हमें थोड़ी देर तक मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट लगेगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे मिक्स करते करते आपका चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखिए तो अब हम इस चॉकलेट को पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। और पाइपिंग बैग कैसे बनाते हैं दोस्तों ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब यहाँ पर गनाश को इस तरह से आधे केक के ऊपर स्प्रेड कीजिएगा और साइड्स में आधे ही साइड में आपको ड्रिपिंग भी करना है बिल्कुल इस तरह से। और अब ये जो बचा हुआ जगह है यहाँ पर गनाश से फिल कर देंगे। तो ये देखिए ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है।
तो यहाँ पर मैंने आधे केक को गनाश से कवर कर लिया है, ये देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अब ये जो बचा हुआ साइड है ना, यहाँ पर मैं गनाश से ही इस तरह से छोटे छोटे से ड्रॉप्स को बना दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है और कोई भी बिगनर बहुत ही ईजिली इस डिज़ाइन को बना सकेगा। और अब इसे बहुत ही अच्छा सा लुक देने के लिए मैं नीचे में बॉर्डर से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आज क्लोज टिप स्टार का नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास ये नोज़ल नहीं है तो आप घर पर पेपर कप से नोज़ल को कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपको पहले साइड्स को कट करना है और इसके बाद आपको इस पेपर से इस तरह से कोन बना लेना है। और अब इसे सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर करना है और इसके बाद ऊपर में एक छोटा सा आपको कट लगाना है। और अब यहाँ पर आपको जिगजैग पैटर्न में ट्रायंगल्स को कट करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से ट्रायंगल्स को कट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा या ट्रायंगल्स को आप थोड़े से छोटे छोटे में ही बनाइएगा। ये देखिए, सभी एक साइज़ के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे यहाँ पर नोज़ल बिल्कुल तैयार हो गया है और ये साइड्स में जो एक्सेस पार्ट है इसे कट कर लेंगे और इस तरह से आप होममेड नोज़ल घर पर बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी मार्केट वाला नोज़ल का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, अब इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बनाया है। ऐसे देखने में केक बहुत ही अच्छा दिखता है बॉर्डर के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बना लिया है। और ये जो साइड्स है ना, ये आपको खाली खाली दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चौको चिप से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। यहाँ पर हम गनाश से भी ड्रॉप्स को बना सकते थे बट वो बाद में ड्रिप हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर चौको चिप्स को ही लगा दिया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। और दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ बिना बेकिंग टूल्स के केक की रेसिपी शेयर करूँ। तो ये देखिए, इस केक को आप बर्थडे या फिर एनिवर्सरी पर बना सकते हैं या किसी भी स्पेशल ओकेशन पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।